नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोरोना की इस भयंकर महामारी में लोगों की परेशानियां देखकर कई नेता, विधायक, सांसद ऐसे हैं जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबकी वजह अलग अलग है। उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा खुद अपनी ही सरकार से दुखी और परेशान है। इसी परेशानी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। उनकी लिखी चिट्ठी का सारांश निकाला जाए तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोग बड़े परेशान हाल हैं। इस परेशानी में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और यह गुस्सा कहीं ना कहीं सरकारों पर ही है। ऐसी स्थिति में वे लोगों की कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। वजह है सांसद निधि। सांसद मीणा ने कहा कि महामारी के दौर में अस्पतालों में उपकरण की कमी पड़ रही है। जनता दर दर की ठोकर खाने को परेशान हो रही है। सांसद होने के बावजूद हम जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में स्थगित की गई सांसद फंड स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को फिर से शुरू किया जाए ताकि सांसद भी आम जनता की मदद कर पाए। आइए आपको उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी इस चिट्ठी का अक्षरशः पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा, महोदय, उपरोक्त विषया अंतर्गत निवेदन है कि इन दिनों कोरोना महामारी की दूसरी लहर से कोरोना प्रकोप झेल रहे राजस्थान में संक्रमण गांवों में तेजी से फैला है। कोरोना संक्रमितों से बेड्स, दवाई, उपकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों का अभाव साफ नजर आ रहा है। इसकी रफ्तार एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं व्यवस्था को लेकर कोरोना से संक्रमितों एवं मरने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सवाल टीकाकरण की रफ्तार एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं व्यवस्था को लेकर खड़े हुए हैं। उदयपुर संसदीय, जो कि एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं जनजाति उपायोजना GSP क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसकी 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण जनजाति उपयोजना क्षेत्र हैं। संसदीय क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने से चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव है। भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 की राशि को स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में राजस्थान में विधायक गणों को विधायक स्थानीय क्षेत्र लोकसभा सदस्य को, जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन्हें भी 5 करोड़ राशि स्वीकृत है। स्थानीय विधायक COVID-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर COVID-19 जांच एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हेतु प्रति विधायक महोदय 3-3 करोड़ की राशि इन कार्यों हेतु स्वीकृति जारी कर रहे हैं। जबकि सांसदों द्वारा इस कोरोना महामारी के दौर में स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हेतु सहायता नहीं कर पा रहे हैं, जिससे संसदीय क्षेत्र की आम जनता में सांसदों के प्रति काफी रोष है। अतः COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जनहित में संसद सदस्य स्थानीय योजना के अंतर्गत स्थगित की गई राशि को पुनः प्रारंभ करवाएं, आदर सहित। देखा आपने, अब देखते हैं कि उदयपुर के सांसद की चिट्ठी का असर PM मोदी पर होता है या नहीं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।